विकास की अहम कड़ी है सड़कें। गांव से शहरों को जोड़ती हैं सड़कें। देश में सुगम और सरल परिवहन हेतु राजमार्गों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सकारात्मक पहल और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज देश में तेजी से बन रहे राजमार्गों के कारण विकास की रफ्तार बढ़ी है। महाभारत काल में यमुना नदी के किनारे बसा स्वर्णप्रस्थ के नाम से मशहूर शहर आज का सोनीपत, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू आदि राज्यों का संगम क्षेत्र है। यहाँ से आवागमन को आसान एवं सुगम बनाने के लिए 2872 करोड़ रुपए की लागत से 297 किलोमीटर के 5 राजमार्ग देश को समर्पित किए जा रहे हैं। NH 352A पर स्वच्छ और मोहक दो लेन, 51 किलोमीटर जींद के पटियाला चौक से गोहाना सिटी में रोहतक पानीपत सेक्शन तक मार्ग विकसित किया गया है, जिससे NCR, सोनीपत, नरवाना और पंजाब के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। NH 709A पर शानदार दो लेन 62 किलोमीटर भिवानी मुंडाल जींद के NH 352A सेक्शन तक राजमार्ग, जिससे राजस्थान, हरियाणा, NCR और उत्तर प्रदेश जाने के लिए मार्ग सुगम होगा। NH 334B पर दो लेन 98 किलोमीटर झज्जर से चरखी दादरी होते हुए लोहारू में NH 709 तक और 4 लेन 40 किलोमीटर लंबा यूपी हरियाणा बॉर्डर से बहालगढ़, सोनीपत, खरखौदा होते हुए लोहारू तक राजमार्ग विकसित किया गया है। इससे हरियाणा, राजस्थान, NCR और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होने के साथ ही किसानों को लाभ होगा। इस राजमार्ग के अत्यधिक यातायात वाले झज्जर चरखी दादरी खंड को 4 लेन बनाने हेतु DPR बनाई जा रही है। NH 44 8 लेन 47 किलोमीटर लंबा सोनीपत के राई से पानीपत के सिवाह तक राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इन मार्गों से समय की बचत के साथ ही आम लोगों का आवागमन सुगम होगा, वाहनों के रखरखाव का खर्च कम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रोजगार बढ़ेगा। साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा, जिससे देश में विकास की रफ्तार को नए आयाम मिलेंगे।